بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hey guys, this is Umair Khan और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल Umair Khan TV. यार really sorry आप सब दोस्तों का मैं कुछ दिनों से गैर हाजिर रहा, वीडियो नहीं बना सका क्योंकि कुछ ज़ाती मसरूफियात थी. आप दोस्तों के मैसेजेस और दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह आज से दोबारा कंटिन्यू जो मैंने वीडियो बनाता था उसी तरह दोबारा बनाऊंगा. आज जिस टॉपिक पर आप दोस्तों से मुखातब हो दोस्तों, वो है जो भी दोस्त है वो अपने फैमिली को विजिट वीजे पे लाते हैं. जब वो विजिट वीजे पे यहाँ पर आते हैं तो फिर उनके यही मसला होता है कि उनका वीजा परमानेंट वीजे पे वो मुंतकिल नहीं हो सकता था. आज की जो बहुत ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट न्यूज आया था, ये जुमे के दिन का न्यूज है, लेकिन मैं चूंकि इस पे आज वीडियो बना रहा हूँ, ये न्यूज ये है दोस्तों के कोई भी आदमी जिसका इकामा मतलब नया हो, ख़त्म नहीं हो, और वो अपने बच्चों को यहाँ पर उन्होंने बुलाए हैं और उसके उम्र जो है वो 18 साल से कम है, तो वो 18 साल से कम उम्र वाले अपने बच्चों को उनका विजिट वो परमानेंट वीजे पे मुंतकिल कर सकते हैं. क्योंकि वीज़ा मेरे ख्याल से आई थिंक 180 दिन के बाद वो रिन्यू नहीं होता और आपको फिर खुद जाना पड़ता है. तो इसलिए ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी है कि अगर कोई भी भाई उनका फैमिली है यहाँ पर और उनके बच्चे क्या नाम है 18 साल से उनके उम्र कम है, अगर वो उनको परमानेंट वीजे पर मुंतकिल करना चाहेंगे तो उनका ये वो परमानेंट वीजे पर मुंतकिल होंगे और वो विजिट वीजे से उनका उनको छुटकारा हासिल होगा. इस हवाले से इंशाल्लाह बहुत अच्छे खुशखबरियां और भी आएंगे एक दो दिन में. इंशाल्लाह इस पर मैं मजीद तफसील से एक और वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन ये थी आज के जो खुशखबरी के विजिट वीजा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का परमानेंट वीजे पर मुंतकिल हो सकते हैं. ये थी दोस्तों, शर्त इसका यह है कि इकामा बिल्कुल सारियतुल मफ़ऊल हो, उसमें जो है ना एक्सपायर वगैरह नहीं हो. आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया. अगर आप दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.